स्वतंत्रता दिवस का पर्व सादगी और सम्मान के साथ सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाकर पालन करते हुए मनाया गया। विधायक श्रीमती उत्तरी जांगड़े 74वीं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर सारंगढ़ में नंदा चौक जय स्तंभ चौक में ध्वजारोहण किया और राष्ट्र गान से सलामी दी। विधायक ने प्रदेशवासियों को शुभकामना संदेश भी दिया। कार्यक्रम में लगभग 10 कोरोना वॉरियर्स, पत्रकार, एल्डरमैन, सामाजिक कार्यकर्ता, पुलिस कर्मियों सम्मानित किया गया। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शासकीय कार्यालयों में ध्वजारोहण प्रातः 8 बजे के पूर्व किए गए। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए इस बार समारोह में मार्च पास्ट नहीं हुई, न ही किसी प्रकार का कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, सिर्फ राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं की भागीदारी भी प्रतिबंधित रही। कार्यक्रम में सभी लोग मास्क पहनकर और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए शामिल हुए। स्वतंत्रता दिवस पर सभी शासकीय भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। 14 अगस्त को रात्रि से ही सभी शासकीय भवनों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों पर रोशनी की गई। पूरी खबर जानने के लिए देखिए जांजगीर एक्सप्रेस 07 छत्तीसगढ़ में रिपोर्टर बालेश्वर कश्यप नवागढ़ राछा भाटा के साथ। सबसे पहले तो मैं सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और सभी से अपील करता हूं कि जैसा कि अपन देख रहे हैं कि देश में कोरोना का संकट चल रहा है, सभी मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अति आवश्यक ना हो तो घर से ना निकले। अभी सारंगढ़ में आप देख ही रहे हैं, यहाँ के लोग झंडा फहरा रहे लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, सभी मास्क लगा रहे हैं। ऐसे ही हम चाहते हैं कि सभी कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें और सारंगढ़ को हम और यहाँ के लोग मिलकर कोरोना के प्रकोप से बचा सकें। सबसे पहले स्वतंत्र दिवस की पावन अवसर पर क्षेत्रवासी, ग्रामवासी, प्रदेशवासियों को स्वतंत्र दिवस की पावन अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामना देना चाहती हूँ। और स्वतंत्र दिवस 1947 को भारत देश आज़ाद हुई थी, उस दिन से हमारे भारत देश पूरे विश्व में त्यौहार के रूप में मनाने जाते हैं। आज बहुत अच्छा खास दिन है, लेकिन कोविड-19 की महामारी से लोग जूझ रहे हैं। इस अवसर में स्कूल में भी कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं कहीं पे, तो हम लोग कोसी में फहराए हैं, वहाँ से सारंगढ़, और उस सभी को बधाई और शुभकामना देते हैं। संदेश देना चाहिए किस तरह मनाए कैसे लोगों को, क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को कोविड-19 में क्या संदेश देंगे? इस अवसर पर तो सब जानते हैं कोविड-19, सब लोग बात जूझ रहे हैं, तो मैं क्षेत्रवासियों को बधाई और शुभकामना देती हूँ।